हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अरुणा गुप्ता फ्रॉम महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सिक्स्थ चैप्टर क्लास 10th मैथमेटिक्स। कल हमने थ्योरम्स की थी 6.1 और 6.2। 6.1 क्या थी? पीपीटी। पीपीटी में क्या था? अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें डी ई, देन इट डिवाइड अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। मींस इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन ए डी बाय डी ई इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये हमारे पास बीपीटी प्रॉब्लम है। और इसका कन्वर्स क्या था? इफ AD by DB is equal to AD by EC, अगर रेशियो सेम है, it implies lines parallel, BE is parallel to BC। ये है हमारी कन्वर्स ऑफ BPT। अब इन दोनों थ्योरम्स को यूज करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 में। 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन फिगर इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, देन फाइंड ई सी। हमने ई सी फाइंड करनी है। ए डी गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, बी डी 3 सेंटीमीटर, ए ई 1 सेंटीमीटर, ई सी फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर लाइन्स पैरेलल है तो बीपीटी से रेशियो सेम, देयरफॉर ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी बाय बीपीटी। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए डी है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, डी बी 3 सेंटीमीटर इक्वल टू ए ई 1 सेंटीमीटर, ई सी हमने फाइंड कर ली है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 15/30 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बाय ई सी। 15 2 30 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई सी इज इक्वल टू 2 1 2 सेंटीमीटर। ई सी फाइंड करनी थी, वो अभी 2 सेंटीमीटर। सेम ऐसे सेकेंड पार्ट अपने आप करोगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमारे पास ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, पी क्यू पे एक पॉइंट है ई और पी आर पे है एफ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नो। हमने बताना है ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, पी ई 3.9 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। अब लाइन पैरेलल कब होती है, जब रेशियो सेम हो। तो रेशियो फाइंड करें पी ई बाय पी क्यू, क्या आएगी 3.9 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, वही घट आएंगे तो 39/30 किस पे कैंसिल कर रहे हैं, 3 पे। 13 3 10 3 ये आ गया 13/10। इन साइड्स की रेशियो आ गई हमारे पास 13/10। अब फाइंड करें पी एफ बाय एफ आर। पी एफ है 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट लग गया, क्या बचा 36/24 किस पे कट रहे हैं, 4 पे। 4 9 4 6 फिर 3 पे कट रहे हैं, 3 3 3 2 ये आ गई हमारे पास 3/2। रेशियो सेम ही आई, सिंस पी ई बाय ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, इक्वल नहीं है, इट मीन्स ई एफ इज नॉट पैरेलल टू
यू आर। अगर रेशो सेम आती तो लाइंस पैरेलल होती, रेशो सेम नहीं आई तो लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसके बाकी दो पार्ट अपने आप करोगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है इन फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी डी, एल एम पैरेलल टू सी डी एंड एल एम, एल एम पैरेलल टू बी सी, ये लाइंस पैरेलल है। देन प्रूव दैट ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी इक्वल टू ए एम बाय ए डी, ये हमने प्रूव कर लिया है। तो इसमें देखो दो ट्राइंगल बन गए हमारे पास, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी है और सेकेंड ए डी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में देखो कौन सी लाइन्स पैरेलल है, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी। अगर एल एम और सी बी पैरेलल है तो इससे रेशो देखो क्या बन रही है, ए एल बाय एम बी एंड ए एल बाय एल सी, ये रेशो बन रही है। लेकिन हमें चाहिए ए बी, तो ए एम बाय पूरी साइड भी ले सकते हैं ए बी, तो क्या आ जाएगा ए एम बाय ए बी पार्ट के साथ पूरी साइड ली, तो इसमें भी ए एल बाय ए सी इक्वल टू ए एल बाय ए सी बाय बी पी टी हम ये यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद नीचे वाली ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें पैरेलल लाइन कौन सी है, एल एम पैरेलल टू डी सी, ये लाइन पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल में क्या बनेगा, ए एल बाय ए डी इक्वल टू ए एल बाय ए सी, ए एल बाय ए डी इक्वल टू ए एल बाय ए सी, ये भी कैसे आ गया बी पी टी से। ये सेकेंड इक्वेशन, अब बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों इक्वेशन में देखो राइट साइड सेम है, अगर राइट सेम है तो लेफ्ट भी सेम होगी, क्योंकि ये इसके भी इक्वल है और ये इसके इक्वल भी है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ए एन बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए बी, यही हमने प्रूव करना था। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में ये फिगर बनी हुई है हमारे पास, इन फिगर डी इज पैरेलल टू ए सी, ये डी लाइन ए सी के पैरेलल एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। देन प्रूव दैट बी एफ by FE is equal to BE by EC, ये हमने प्रूव करना है। अब देखो इसमें भी एक बार तो ये ट्रायंगल ले ले ABE, इस ट्रायंगल में देखें तो इन ट्रायंगल ABE इतनी इतनी ट्रायंगल में, इसमें देखो DF और BAE दोनों पैरेलल है ना, DF इज पैरेलल टू AE, अगर DF AE के पैरेलल है तो इससे हमारे पास ऑपोजिट वर्टेक्स से क्या बना BD by DA, BD by DA इक्वल टू इधर से क्या बनेगा BF by FE इज इक्वल टू BF by FE BPT से। उसके बाद बड़ी बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी के पैरेलल लाइन कौन सी है डीई, डीई पैरेलल टू ए सी, और डीई और ए सी पैरेलल तो ऑपोजिट वर्टेक्स से बीडी बाय डीए, बीडी बाय डीए इक्वल टू बीई बाय ई सी, ये भी हमारे पास आ गया बाय बीपीटी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों की देखो लेफ्ट साइड सेम है, लेफ्ट सेम तो राइट भी इक्वल, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड
by FP is equal to BE by PC. Hence, proof. ये proof करना था ना हमने. Next, fifth question में ये figure बनी हुई है हमारे पास. In figure, DE parallel to OQ. DE parallel to OQ. And DF parallel to OR. DF parallel to OR. Then show that EF parallel to QR. हमने show करना है EF जो है वो QR के parallel है. सबसे पहले क्या given है? DE parallel to OQ. तो OQ कौन सी triangle की side है? POQ की. तो in triangle POQ DE is parallel to OQ. अगर DE OQ के parallel तो हमारे पास OQ का opposite vertex P. P से क्या बन गया? PE by EQ. Therefore PE by EQ is equal to PD by DO. By BPT. ये first equation आ गई. उसके बाद हमें क्या given है? और also OR is parallel to DF. अब OR कौन से triangle की side है? POR. क्योंकि इसी के अंदर ये line है ना. तो in triangle POR हमें given है DF parallel to OR. अगर DF OR के parallel तो OR का opposite vertex P. P से क्या बनेगा? PF by FR. PF by FR is equal to PD by DO. By BPT. ये हमारे पास आ गई second equation. अब इन दोनों equations में देखो right side same. अगर right same तो left भी same. Therefore, by first and second, PE by EQ is equal to PF by FR. PE by EQ equal to PF by FR. अगर ये दो sides की ratio same आ गई, तो इनसे जो बीच में line बनी, वो third के parallel रहेगी. Therefore, EF is parallel to QR by converse of DPT. DPT के belong से. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.2 के 1-5 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे. ठीक है, ओके.